8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार का 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इंडस्ट्री, पर्यटन, कृषि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में फोकस किया गया है। उनका कहना है कि सरकार उत्तराखंड के बुनियादी विकास पर सबसे ज्यादा फोकस करने जा रही है ताकि पर्यटन, कृषि, उद्योग जैसे क्षेत्रों में अधिक से अधिक निवेश हो सके। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार कृषि के क्षेत्र में 1 लाख रोजगार के अवसर को विकसित करेगी। आपको बता दें कि 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। आज जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2023 की, उसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च हो गई है और ये लगातार आज हमारा विधिवत रूप से अब जो काम है औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया है और अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग हमने 25,000 करोड़ का जो लक्ष्य लिया था उसमें हो गई है और बहुत सारे उद्योग समूह, देश के बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर हमारे लगातार संपर्क में हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं और 6,000 एकड़ लैंड बैंक इसमें अभी तक बनाया जा चुका है। बहुत सारे जो ऐसे कानून थे, नियम थे जिनके कारण से उद्योगों में कुछ रुकावटें आ रही थी या समस्या पैदा होती थी, उन सभी को भी हमने हटाया है, उन सबको समाप्त किया है और जो नए प्रावधान हैं, नए नीति हम लेकर आए हैं। 27 नई नीतियां भी हमने इसमें प्रख्यापित की हैं और उत्तराखंड लोगों के लिए एक इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक शानदार डेस्टिनेशन बन रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति हो या यहाँ का माहौल हो या यहाँ की यहाँ का पर्यावरण हो, हर दृष्टि से लोगों के लिए उनको सूट करता है। हर प्रकार से एक अच्छा वातावरण इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में है और हमारा प्रयास है कि इस बार एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का समूह उत्तराखंड के अंदर आए। अगले कुछ दिनों में आप